हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि क्या क्रिकेट में जाति या धर्म को लेकर कोई पॉलिटिक्स होती है, क्योंकि कल एक सब्सक्राइबर ने मुझसे ये पूछा था कि क्या क्रिकेट में जाति या धर्म को लेकर कोई पॉलिटिक्स होती है। उस भाई ने मुझसे ये बोला था कि क्या मुस्लिम लोगों को IPL में या फिर इंडियन टीम में नहीं खिलाया जाता है। दोस्तों, यह सवाल इस भाई के जैसे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके दिमाग में यह सवाल रहता है, इसलिए यह टॉपिक मुझे अच्छा लगा और इसी टॉपिक पर मैं वीडियो बना रहा हूँ, ताकि आप लोगों में से जितने भी बच्चों के दिमाग में यह गलत फहमी है वह सारी की सारी गलत फहमी दूर हो सके। दोस्तों, यह टॉपिक आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह आपके करियर को डिसाइड कर सकती है, यह आपके करियर को बर्बाद होने से बचा सकती है। इसीलिए अगर आप लोग क्रिकेट में अपना करियर बनाना चाहते हो तो इस वीडियो को ज़रा सा स्किप मत कीजिएगा, इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, ताकि आपको सारी जानकारी बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाए। और दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें, ताकि हमारे सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त वीरेंद्र यादव, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ माई क्रिकेट सपोर्ट में। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, क्रिकेट भारत में सबसे ज़्यादा खेला जाने वाला खेल है। इसको बच्चे से लेकर बूढ़े तक खेलते हैं। इसको हर धर्म और हर जाति के लोग खेलते हैं, चाहे वह मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। दोस्तों, इस खेल को सारे धर्म के लोग खेलते हैं, यह बात तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि क्या इस खेल में जाति को लेकर पॉलिटिक्स होता है? क्या इस खेल में मुस्लिम लोगों को जाति भेदभाव का सामना करना पड़ता है? तो मेरा जवाब है नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्रिकेट एक ऐसा खेल है जहाँ पर आपका टैलेंट देखा जाता है, आपका हुनर देखा जाता है, आपके अंदर कितना लगन ये देखा जाता है। यहाँ पर यह नहीं देखा जाता है कि खिलाड़ी कौन सी जाति का है, कौन सी धर्म का है। आप चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, आप किसी भी धर्म के क्यों ना हो, अगर आपके अंदर टैलेंट है, आपके अंदर लगन है, आपके अंदर जुनून है, तब आपको क्रिकेटर बनने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, आप एग्जाम्पल ले सकते हो मोहम्मद सिराज का, मोहम्मद शमी का, यूसुफ पठान, इरफान पठान और जहीर खान जैसे खिलाड़ियों का एग्जाम्पल ले सकते हो। ये सारे खिलाड़ी मुस्लिम ही हैं, सारे के सारे खिलाड़ियों ने IPL खेला है और साथ ही साथ इंडियन टीम में भी खेला है। आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हो कि क्रिकेट में जाति को लेकर कोई पॉलिटिक्स नहीं होती है। अगर आपके अंदर टैलेंट है, आपके अंदर हुनर है, तब आपके लिए जाति कोई मायने नहीं रखती है, आप खेल जाओगे। बस आपके अंदर हुनर होना चाहिए, आपके अंदर टैलेंट होना चाहिए। इसलिए आप लोग अपने दिमाग से यह गलत फहमी निकाल दें कि क्रिकेट में जाति को लेकर कोई भेदभाव होता है, अगर आप कोई नीची जाति के हो या मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, आपको रोका जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप किसी भी जात के रहो, आपको कोई नहीं रोकने वाला है, बस आपके अंदर टैलेंट होना चाहिए। अगर आपका कोई दोस्त ये कहता है कि मैंने क्रिकेट में जाति को लेकर भेदभाव का सामना किया है, तो आपका दोस्त बिल्कुल झूठ बोल रहा है, क्योंकि क्रिकेट में जाति को लेकर भेदभाव होता ही नहीं है। आपके दोस्त के अंदर ही कोई कमी रही होगी जिसकी वजह से उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। दोस्तों, आप लोग ऐसे फालतू लोगों की बातों पर ध्यान ना देकर सिर्फ अपने प्रैक्टिस पर ध्यान दें। आप जितना ज़्यादा अपनी प्रैक्टिस पर ध्यान दोगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए बेटर रहेगा, उतना ही ज़्यादा आपके खेल पर निखार आएगा। क्योंकि दोस्तों, समय का क्या है, समय कब बीत जाता है पता नहीं चलता है, आपके एक या दो साल कब निकल जाएंगे आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा। इसीलिए आप लोग किसी जाति, धर्म या भेदभाव के चक्कर में ना पड़ें, बस आप लोग अपनी प्रैक्टिस पर फोकस करें। आज नहीं तो कल आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा, आपके रास्ते में कोई भी जाति या धर्म की बाधा नहीं आएगी, बस आपके अंदर टैलेंट होना चाहिए। अगर आपके अंदर टैलेंट है तब आपको क्रिकेटर बनने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, इसीलिए आप लोग अपने दिमाग से यह गलतफहमी निकाल दें कि क्रिकेट में कोई जाति या धर्म को लेकर भेदभाव होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्रिकेट में कोई भी जाति या धर्म को लेकर भेदभाव नहीं होता है, यहाँ पर लोगों का सिर्फ उनके टैलेंट के आधार पर उनका सिलेक्शन किया जाता है, ना कि उनके धर्म के अनुसार। अगर धर्म के अनुसार ही लोगों का सिलेक्शन किया जाता तो बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो खेल नहीं पाते। दोस्तों, मैंने आपको बताया ना कि मोहम्मद सिराज, मोहम्मद शमी, यूसुफ पठान, इरफान पठान, जहीर खान जैसे खिलाड़ी भी तो मुस्लिम ही है, फिर भी ये लोग खेले कि नहीं खेले? खेल गए ना, ये लोग IPL भी खेले, इंडियन टीम के लिए भी खेले। इसलिए प्लीज़, आपके दिमाग में जो भी जाति या धर्म को लेकर गलत फहमी है वो अपने दिमाग से निकाल दें, यह आपके लिए बेटर होगा, यह आपके करियर के लिए बेटर होगा। अगर आप लोग सिर्फ अपने प्रैक्टिस पर फोकस करोगे, लगातार अच्छी मेहनत करोगे, तब आपको क्रिकेटर बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए, मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।